हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंगली वेल। तो मैं आ गई हूँ मनाली से और पावना का भी हमारा ट्रिप हो गया 2 दिन का और अब मैं आई हूँ हेयर स्पा कराने। आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट ट्रैवलिंग की वजह से बालों में काफ़ी ड्राइनेस आ गया है, तो जहाँ मैं हमेशा आती हूँ हेयर स्पा कराने तो मैं वहाँ आई हूँ। मेरे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट का डिफरेंस है, तो आइए देखते हैं आज हमारा हेयर स्पा का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो हमारे हेयर स्टाइलिस्ट ज़ाफ़र, जहाँ मैं हमेशा यहाँ हेयर स्पा कराती हूँ। तो ज़ाफ़र जी, आपको पता है मैं ट्रैवलिंग वगैरह करती रहती हूँ, तो क्या सही रहेगा मेरे बालों के लिए, कौन सा हेयर स्पा ठीक रहेगा? हमारे आपके हेयर के लिए हमारे सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट है फिज़ा, वो सजेस्ट करेंगे आपको कौन सा बेस्ट हेयर स्पा है। हाय मैम। हेलो फिज़ा। तो ये फिज़ा है जैसे मैं हमेशा अपना हेयर स्पा कराती रहती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फिज़ा, अगर आप बता सकेंगे कि आज के लिए, सिंस मैंने बहुत ट्रैवल किया है, हेयर ड्राई हो गए, तो आप हेयर कंसल्ट करके मुझे बताइए कि किस तरह का मुझे हेयर स्पा सूट होगा और कैसा सही रहेगा। देखो, हमारे पास स्पा बहुत है, हमारे पास 500 से लेके 1200 तक का स्पा है। आपके लिए बेटर है कि आप पावर मिक्स करवाओ, क्योंकि हेयर ज़्यादा ड्राई है ना आपके। तो कौन से टाइप के स्पा है और फिज़ा आपके पास? हमारे पास एक है केराटिन स्पा जो डीफेबुलस का है, वो जस्ट नॉर्मल हेयर, जैसे नॉर्मल ड्राई हेयर है उसके लिए। आपके ज़्यादा फ्रिजी हेयर है उसके लिए है पावर मिक्स। अच्छा। और एक बेसिक स्पा है, 500 से स्टार्टिंग है। हाँ। और जो पावर मिक्स है उसमें हम हेयर फॉल के ट्रीटमेंट भी डालते हैं, डैंड्रफ का भी डालते हैं, प्लस उसमें हमने फूट मसाज भी ऐड किया है। हाँ, तो फूट मसाज कॉम्प्लीमेंट्री है सर। अच्छा। और आपके हेयर काफ़ी ड्राई हो गए हैं, तो उससे काफ़ी हो जाएगा। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी हेयर ड्रेसर फिज़ा है, उन्होंने मेरे बालों का कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि वो पावर मिक्स करने वाले हैं मेरे बालों के ऊपर। तो आइए देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। और फिज़ा के पास तो मैं हमेशा आई हूँ यहाँ और हमेशा मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा ही आया है। तो जब भी मैं ट्रैवल करके आती हूँ, बहुत दिन हो जाते हैं, स्किन हेयर ड्राई हो जाती है, तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन होता है कि मैं यहाँ आऊँ और मैं हेयर स्पा ज़रूर कराऊँ इनके पास। आपका लॉन्ग हेक्टिक डे हो ऑफिस से, या फिर आप बहुत दिन तक आप ट्रैवल कर रहे हो और आप काफ़ी थके हुए हो, या काफ़ी कुछ काम किया है आपने और आपको एक रिलैक्सेशन चाहिए, तो एक हेयर स्पा ज़रूर कराना चाहिए, जो मैं फ्रीक्वेंटली कराती रहती हूँ। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि मैम, आपका स्किन क्लियर है, आपके बाल इतने सॉफ्ट है। तो यही सब राज है मेरे बालों का और स्किन का, कि मैं काफ़ी केयर करती हूँ स्किन और बालों के मामलों में। और इसके अलावा आप किसी में खर्चा मत करिए, कपड़े में खर्चा मत करिए, बट बाल और स्किन के लिए दो बार हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। फेस वॉश से लेके मॉइस्चराइज़र से लेके प्रॉपर शैम्पू, जो वो वक्त बालों की ज़रूरत हो, कंडीशनर, वो ज़रूर हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्किन और बाल का केयर करना, उनको अच्छे से रखना, उनकी प्रॉपर उनको नरिश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अक्सर करती रहती। इंसान काफ़ी रिलैक्स हो जाता है ये सब चीज़ों से, जो मैं 15 दिन में एक बार तो ज़रूर कोशिश करती हूँ अगर मैं मुंबई में हूँ तो ये चीज़ कराने की। थैंक यू फिज़ा। फिज़ा ने पूरे मेरे बाल ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं, इतना प्यारा हेयर स्पा कराया और बाल काफ़ी नरिश और अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फिज़ा। थैंक यू सो मच। कभी कभी आपके बेजान बाल आपके मेंटल डिटॉक्स के लिए ज़रूर हेयर स्पा कराइए और आइए बालों और स्किन को अच्छा फील करवाने। दिस इज़ रिमशा साइनिंग ऑफ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जर्नीज़ विद रिमशा।